लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल 2023 के तीसरे मुकाबले में दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा। मगर दोस्तों फिर हुआ चमत्कार, इस नियम से दिल्ली की टीम जीती तीसरा मुकाबला। आप भी दिल्ली के बहुत बड़े फैन हो, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आईपीएल 2023 का तीसरा मुकाबला लखनऊ और दिल्ली के बीच में शुरू हुआ, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाया और 193 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए, जिसमें ओपनिंग करते हुए काइल मेयर्स ने सबसे ज्यादा 73 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। मैच 38 गेंदों का सामना करते हुए मगर दोस्तों केएल राहुल मात्र 8 रन के स्कोर पे आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों दिल्ली के गेंदबाजों ने किसी बल्लेबाज को नहीं चलने दिया, हालांकि निकोलस पूरन ने 36 रन की पारी खेली 21 गेंदों में। और दोस्तों अब 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बहुत खराब रही, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने 48 रन तक आते आते अपने 3 विकेट गवा दिए और 113 रन तक आते आते अपने 7 विकेट गवा दिए, जिसमें सबसे ज्यादा डेविड वार्नर ने 56 रन लगाए। ओपनिंग करते हुए मैच 48 गेंदों में 7 चौके की मदद से रायल रूसो ने 30 रन की पारी खेली और किसी बल्लेबाज को नहीं चलने दिया लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने, जिसमें आवेश खान ने 2 विकेट चटकाए, रवि बिश्नोई ने 2 विकेट चटकाए, मार्क बोर्ड ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए केवल 10 रन देकर।